समंदर में भारतीय नौसेना ने बहादुरी और ताकत की एक और मिसाल कायम की है जिसकी दुनिया कायल हो गई है। लाल सागर में नौसेना एक बार फिर से हूती विद्रोहियों की काल साबित हुई। दरअसल हूती चरमपंथियों ने पनामा का झंडा लगाए एक तेल टैंकर पोत पर मिसाइल हमला कर दिया था। इसके बाद इंडियन नेवी तुरंत एक्टिव हो गई और तेजी से कदम उठाते हुए न केवल हूती के मिसाइल अटैक का शिकार हुए जहाज को बचाया बल्कि 22 भारतीयों सहित 30 क्रू मेंबर की भी जान बचा ली। हूती विद्रोहियों ने 26 अप्रैल को भारत आ रहे एंड्रोमेडा स्टार तेल टैंकर पर मिसाइल अटैक कर दिया था। इसके बाद नौसेना के विध्वंसक पोत INS कोची ने त्वरित जवाबी कार्रवाई की जिसके चलते क्रू के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान समर्थित हूती आतंकियों ने यमन से लाल सागर में सफर कर रहे व्यापारिक जहाज मेशा और MV एंड्रोमेडा स्टार पर 3 जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। मिसाइल हमले के बाद जहाज की सुरक्षा के लिए विध्वंसक INS कोची को तैनात किया गया। भारतीय नौसेना ने जानकारी देते हुए बताया कि कच्चे तेल टैंकर वाले MV एंड्रोमेडा स्टार की स्थिति का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पहले हवाई रेस्क्यू किया गया। इसके बाद शिप बॉर्न EOD टीम को तैनात किया गया। आपको बता दें कि रूस के साथ व्यापार में लगा ये जहाज हमले के समय प्रेमोर्स्क रूस से भारत के वाडिनार की ओर जा रहा था। भारतीय नौसेना की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार MV एंड्रोमेडा स्टार शिप पर सवार 22 भारतीय नागरिकों के साथ ही सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। ये भी जानकारी दी गई कि ये शिप अगले बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि लाल सागर में हूतियों का हमला दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। दरअसल लाल सागर को समुद्री व्यापार के लिहाज से काफी अहम माना जाता है और इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही वजह है कि हूतियों की ओर से किए जा रहे हमले ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। तो वहीं जाबाज भारतीय नौसेना हूती विद्रोही हो या फिर समुद्री लुटेरे, दोनों के लिए काल बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।